तो दोस्तों ये मतलब एकदम से जेनुइन डेब्यू होगा, ये कोई मुझे कंपनी की तरफ से भी मुझे नहीं कहा गया कि आप जाके एल्ट्रो का प्रमोट करो, मतलब मुझे कोई भी किसी कोई फोर्स करके यह नहीं लाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही यहाँ पे आया हूँ और आके आप लोगों के लिए एकदम नेचुरल तरीके से इसका रिव्यू बना रहा हूँ। मेरा मतलब खुद का पॉकेट का पैसा खर्च करके मैं यहाँ तक आता हूँ और आप लोगों के लिए गाड़ियों का रिव्यू बना के ले जाता हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ दोस्तों मुझे भी सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को मोनेटाइज करवा दो, मेरा चैनल आगे भी आप लोगों को, ताकि ऐसा वीडियो में दिखा पाऊँ, गाड़ियों का रिव्यू दिखा पाऊँ। दोस्तों स्वागत है मेरा आप चैनल में, कार एक्स वाई जेड चैनल में मेरा। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ 2020 का ये नया वेरिएंट का जो एल्टो 800 है। ये तो इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला गाड़ी है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली है इन सभी का ये फेवरेट कार है, ये तो आप सब लोग जानते ही है। इस गाड़ी को देख लीजिए, इस गाड़ी में क्या क्या है क्या नहीं, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता के दिखाऊंगा। पहले आप इसका फ्रंट लुक देख लीजिए, यहाँ में जो आपको आजकल ग्रिल दिया जा रहा है सामने, ये काफ़ी शानदार ग्रिल है। इस ग्रिल की वजह से गाड़ी का सामने का लुक चेंज हो गया पूरा तरीके से। और यह देखिए, यह पे एक सुजुकी के आपको लोगो मिलता है सामने का। ये हेलोजन हेडलाइट है, ये इंडिकेटर बल्ब है और कुछ सामने का गाड़ी का ऐसा ही है लुक्स, और साइड से गाड़ी का लुक्स कुछ इस तरीका से है। मैं जानता हूँ एल्टो तो आप लोग दिन में जहाँ पे जाते होंगे तो सामने दिखाई दे ही देता है आप लोगों को एल्टो, लेकिन फिर भी जो लोग लेते हैं ना, लेने का वजह से जो देखना चाहते हैं वो देखना थोड़ा अलग सोच का होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ ज़्यादा बोल के। और आप देख लीजिए ये पीछे का लुक्स है गाड़ी का, पीछे का कुछ जो डिज़ाइन किया गया है पीछे का, ये शानदार सा है बैकलाइट दिया गया है। और यहाँ पे आपको दो सेंसर दिखाई दे रहा है, ये एक है दिया गया है लेफ्ट राइट साइड में और ये एक लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर नंबर प्लेट का जगह दिया गया है, इस नंबर प्लेट का जगह जिस हिसाब से रखा गया है काफ़ी क्लियरिटी से मतलब नंबर प्लेट दिख जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल रहा है सुजुकी का एक लोगो मिल रहा है, तो ये लॉक करने के लिए लॉक है। और यहाँ पे एक प्यारा सा एल्टो लिखा देखने को मिल रहा है और कुछ गाड़ी का लुक्स है इस तरह से, ये देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को अंदर का कुछ नज़ारा दिखा दे रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो गाड़ी में का अंदर। ये एल्टो का हिसाब से ये जो गाड़ी बनाया गया है ना, ये काफ़ी शानदार, मतलब अंदर बैठने के बाद आपको ऐसा लगता ही नहीं कि इस गाड़ी में जगह कम है। गाड़ी छोटा है देखने में, लेकिन अंदर बैठने का बाद आपको फील नहीं होता है, ये है एल्टो का सबसे बढ़िया बात। ये देख सकते हो गाड़ी का कुछ यहाँ पर मीटर वगैरह दिया गया है, सिंपल तरीका से एकदम दिया गया है। और ये जो स्टार्टिंग है ना गाड़ी का यार, इस ये बहुत मज़ा आता है इसमें, इसको पकड़ने का बाद आप लॉन्ग से लॉन्ग ड्राइव कर सकते हो इसमें, ड्राइव कर करके आपको कोई थकान महसूस नहीं होता है। और ये एक देख सकते हो राइट साइड में आपको एसी बैंड दिया गया है, और यहाँ कुछ है आपको लाइट का कंट्रोल वगैरह है इसमें। और ये देख सकते हो यहाँ में आपको फोर इंडिकेटर दिया गया है इस चूस में, और यहाँ पर आपको दोनों साइड में एसी बैंड मिल रहा है। यहाँ पे आप छोटा सा एक जगह दिया गया है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, और इस साइड के एसी बैंड देख सकते हो। बाकी कुछ है डोर का, डोर इसमें आप पकड़ के लगा सकते हो, खोल सकते हो, और ये आप इसमें से दरवाज़ा को अनलॉक कर सकते हो, ये देख लिया तो आपने। और यहाँ में आपको मिल रहा है कुछ भी रखने का एक छोटा सा स्पेस मिल रहा है यहाँ में, और ये आपका एक म्यूजिक सिस्टम है यहाँ में, ये देख सकते हो। ये गाड़ी शायद चल के आया है आपका स्टॉक से यहाँ पे शोरूम तक, इसीलिए लग रहा है थोड़ा सा यूज़ हुआ है, नीचे पन्नी वन्नी रखा है अलग से। और अभी आ जाते हैं इस गाड़ी के छोटा सा जो एक आपको गियर लीवर मिल रहा है इसमें 5 स्पीड गियर लीवर मिल रहा है आपको, मैनुअल है ये। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल रहा है, वो देख सकते हो। वहाँ पे अंदर बहुत बड़ा एक जगह दिया गया है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कुछ रख सकते हो, कागज वगैरह तो रख भी सकते हो और अलग से भी कुछ रख सकते हो। और अभी मैं आपको पीछे का जो सीट है ये लगा नहीं ठीक से, इसको लगा लेता हूँ पहले। अभी मैं पीछे का स्पेस आपको दिखा दे रहा हूँ,
एक मिनट सर, पीछे से भी ये लगा हुआ है, इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। हाँ अभी मैं आपको पीछे का कुछ बाहर से देख लीजिए कितना बड़ा स्पेस है कितना बड़ा नहीं है, लोग जो बोलते हैं जैसा भी है लेकिन अपना अपना हिसाब होता है, अपना हिसाब से देख लीजिए पीछे में क्या क्या मिल रहा है आपको। पीछे का सीट में मैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठ के देख लेता हूँ। ये देख सकते हो ये सीट, मतलब मैं सामने बैठ के अभी ज़्यादा पीछे कर लिया था इसीलिए यहाँ पर अभी स्पेस कम दिख रहा है, लेकिन उसमें देख लीजिए ये सीट के बाद भी आप आराम से इस पैर को ऐसा करके बैठ सकते हो। एल्टो से तो लोग कहाँ कहाँ चल जाते हैं, वो जो लोग चलाते हैं एल्टो का शौकीन है वो लोग ही जानते हैं। ये पीछे का भी कुछ दरवाज़ा का इस देख लीजिए क्या क्या है यहाँ में, इसको पकड़ के आप दरवाज़ा अप डाउन कर सकते हो, इसको पकड़ के आप दरवाज़ा खोल सकते हो, और ये कुछ मैन्युअली ग्लास डाउन अप डाउन करने के लिए दिया गया है। इस साइड में भी सेम ऐसा ही है। और पीछे देख लीजिए इस गाड़ी में, ये देख लीजिए पीछे भी स्पेस काफ़ी बाकी है, मतलब इसका डिगी गाड़ी का काफ़ी शानदार ही लग रहा है। एल्टो का हिसाब से जितना जगह पीछे बचाया गया है ना, ये भी बहुत बड़ा बात है, गाड़ी का हिसाब से डिगी बहुत बड़ा रखा गया है। अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस गाड़ी में क्या क्या है, गाड़ी का क्या क्या सिस्टम में दिया गया है ये सब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इंजन साइज है 796 सीसी का है यह गाड़ी, और मैक्सिमम पावर दिया गया है यहाँ पे 48 PS 6000 RPM में। मैक्सिमम टॉर्क गाड़ी में है 69 Nm 3500 RPM में है, और ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है आपको 160 mm, और टर्निंग रेडियस दिया गया है 4.6 mm। फ्यूल टैंक मिलता है इसमें आपको 35 लीटर का मिलता है यहाँ में इसमें, और बूट स्पेस में इस गाड़ी में है 177 L। टायर साइज है गाड़ी का टायर साइज है 145/80 R12, और गाड़ी का व्हील बेस है आपको 2360 है, 60 mm है। ये कुछ है गाड़ी का। ये था दोस्तों आज का कुछ एल्टो का रिव्यू वीडियो, आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे लेके जाइए।